नमस्कार साथियों, आपका लवली पाल किचन एंड क्रिएटिविटी चैनल में स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी पकोड़े वाली कढ़ी चावल। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि प्याज को और एक मिर्ची को कट कर लिया है। प्याज को पतला पतला काटना है। फिर मैंने 3 बड़े चम्मच बेसन लिया है एक बाउल में। उसमें नमक ऐड किया, साबुत जीरा ऐड किया है, लाल मिर्ची ऐड किया। इसको क्या होगा, धीरे धीरे पानी डाल के इसका बैटर बना लेंगे। सबसे पहले पकौड़े बनाएंगे। ये देखिए, इसको अच्छे से एक ही दिशा में चलाते रहेंगे। इससे क्या होता है, फूले फूले पकौड़े बनते हैं। आप चाहे तो इसमें थोड़ा आटा भी मिक्स कर सकते हैं, उससे भी फूले फूले पकौड़े बनते हैं। अब क्या करेंगे, कढ़ाई को गैस पे रखेंगे, गैस पे में तेल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें जो पकौड़े वाला बैटर बना के रखा है, पकौड़ियां डालना स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे पकौड़ियां डालेंगे। कढ़ाई गर्म हो चुकी है तो पकौड़ियां डालने स्टार्ट कर दिया है। अब पकौड़ियों को धीरे धीरे पलटा देंगे, इनको अच्छे से पका लेंगे, ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए, इसको पलटा लेंगे। पलटा लिया, अब देखिए पकौड़ियां अपनी पकने वाली है। अब इसको एक बर्तन में निकालेंगे पकौड़ियों को। पकौड़ियां निकालने के लिए मैंने रिफाइंड ऑयल डाला था, इसी तेल को निकाल लेंगे। और मैं लोहे की कढ़ाई में कढ़ी बनाऊंगी। कढ़ी बनाने के लिए तड़का लगाने के लिए क्या करेंगे, साबुत राई, करी पत्ता, साबुत जीरा, लाल साबुत मिर्ची लेना है और हींग। तड़के के लिए इसको रखना है। अब क्या करेंगे, मट्ठे को अच्छे से फेंट लेंगे। मथानी से आपके पास में ब्लेंडर हो, किसी से भी आप मट्ठा अच्छे से फेंट लेंगे। फेंटने के बाद में इसमें बेसन को ऐड करेंगे। ये मैं 2.5 चम्मच बेसन ऐड करूंगी। ये देखिए, अब इसमें क्या करूंगी, 1 चम्मच हल्दी ऐड करूंगी। 1 चम्मच हल्दी मट्ठे में ऐड करने से क्या होता है कि कलर बहुत अच्छा आता है। मिर्ची ऐड कर दिए, फिर इसको फेंट लेंगे। ये देखिए, इसे क्या फेंटने से क्या होता है कि अच्छे से सारी चीजें मिक्स हो जाती है मट्ठे में। अब गैस को ऑन करेंगे। गैस को ऑन करने के बाद में उसमें सरसों का तेल डालेंगे। ये देखिए, सरसों का तेल डालेंगे। वो जो रिफाइंड ऑयल था मैंने उसको निकाल लिया है। सरसों का जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें राई, साबुत जीरा, मिर्ची, करी लीव्स डालेंगे। धीरे धीरे सभी चीजें ऐड करेंगे। जब ये सारी चीजें ब्राउन हो जाएंगी, फिर क्या करेंगे, इसमें हल्दी, लाल मिर्ची, इसमें धनिया, सब्जी मसाला, ये सब चीजें नहीं ऐड करनी होती, इससे टेस्ट अच्छा नहीं आता है। ये देखिए, ये 1/2 चम्मच हल्दी, क्योंकि मैंने उसमें ऐड कर दिया था 2 चम्मच नमक। मैंने मट्ठे में पहले ही हल्दी ऐड कर दिया है तो 1/2 चम्मच ही डालेंगे। मिर्ची भी, मिर्ची नमक आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, आप तीखा खाते हैं नहीं खाते हैं। इसमें हल्का सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला जले ना और अच्छे से भुन भी जाए। अब मसाले को चलाते रहेंगे। जब यह भुन जाएगा तो क्या करेंगे, इसमें जो मट्ठा बना के रखा है बेसन मिक्स वाला, उसको क्या करेंगे, इसमें धीरे धीरे ऐड करना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, धीरे धीरे ऐड कर दिया है। अब क्या करना है, इसको चलाते रहना। अगर आप इसको ऐसे डाल के छोड़ देंगे तो क्या होता है कि यह फटाफटा हो जाता है। इसमें पानी भी ऐड करेंगे, मट्ठे की वजह से यह फटाफटा हो जाता है। इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे। इसकी गैस की फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, हाई फ्लेम नहीं रखेंगे। हींग देखो, मैं भूल गई थी, स्किप हो गई थी, हींग को भी ऐड कर दिया है। कढ़ी धीरे धीरे, जब इसमें बबल्स थोड़े थोड़े ऊपर आने लगेंगे तब इसमें पकौड़ों को ऐड कर देंगे। ये देखिए,
देखिए कड़ी कितनी ठीक हो गई है। कड़ी को पतला ही रखना, अगर आपका मट्ठा ना हो दही हो तो फिर आप पानी ज्यादा ऐड करिएगा। और कड़ी को पतला ही उतारना है, अगर आप मोटा होता है तो वो और भी ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी रखने से। ये देखिए अब इसमें क्या करेंगे, पकौड़े को ऐड कर देंगे। ये देखिए पकौड़े को ऐड कर दिया। ये देखिए इसमें बबल्स बन रहे हैं। अब इसको 10 मिनट के लिए फिर पकने देंगे, लो फ्लेम पे पकने देंगे ताकि पकौड़ियों के अंदर तक, पकौड़ियों को थोड़ा सा तोड़ के इसमें डालना है हल्का सा बिल्कुल, ताकि जो जूस है कड़ी का वो उसके अंदर कड़ी ऐड हो जाए और पकौड़ियां फूली फूली हो जाए सॉफ्ट सॉफ्ट। ये देखिए कड़ी अब बनके बिल्कुल रेडी है। गैस को ऑफ कर देंगे, एक कटोरी में सर्व करेंगे। ये देखिए कड़ी की रंगत देखे, मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाई, लोहे की कढ़ाई में भी टेस्ट अच्छा आता है। ये देखिए काली भी नहीं हुई है। अभी लोग बोलते हैं कि लोहे की कढ़ाई बनाने से काली हो जाती है, क्या होता है कि मट्ठे में आप पहले जल्दी ऐड कर दें तो पीला ही कलर आता है। ये देखिए, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।